इंटरनेशनल पेश करते हैं कौन रोकेगा मुझे, कौन रोकेगा मुझे, चंकी पांडे, नगमा, प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर, रंजीत, कोका कोला और प्राण। मेहमान कलाकार पता नहीं कौन, अनोखे अंदाज में गोविंदा, जो पढ़ेगा पछताएगा, खुद पढ़ो, पढ़ोगे तो पछताओगे, खुद पढ़ो, जो पढ़ेगा पछताएगा, खुद पढ़ो। PRO BK वर्मा, सॉन्ग रिकॉर्डिंग, महबूब रिकॉर्डिंग स्टूडियो और फेमस तारदेव, प्लेबैक सिंगर्स कविता कृष्ण मूर्ति, अलका याग्निक, शैलेंद्र सिंह, मोहम्मद अजीज, नरेंद्र पेदी, सुदेश भोसले, एडिटर नसीर हकीम, फाइट कंपोजर मोहन बग्गड़, आर्ट डायरेक्टर ज्ञान सिंह, साउंड रिकॉर्डिस्ट हरबंस सिंह, प्रोडक्शन कंट्रोलर BPS चौहान, डबिंग एंड बैकग्राउंड म्यूजिक कोहली रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर SS सूरी एंड कंपनी, डांस डायरेक्टर PL राज, स्टोरी आइडिया कमल राज भसीन, डायलॉग्स मदन जोशी, स्क्रीन प्ले शरूर सुभाष, कैमरामैन दामोदर नायडू। अब मैं थक गया हूं, खुद पढ़ो। क्या आप लोग पढ़ के थके नहीं? चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर मदन सिन्हा, प्रोसेस एड एट लास्ट फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिसिटी डिजाइनर साई दुर्गा, स्किल्स कुलदीप भाटिया, पब्लिसिटी प्रिंटर नैन्सी असेट्स प्राइवेट लिमिटेड, इक्विपमेंट सप्लायर कैप्टन गुप्ता एंड कंपनी, नूर लाइट एंड कंपनी, लोकेशंस फिल्मिस्तान स्टूडियो, कमालिस्तान स्टूडियो, चांदीवली स्टूडियो और फिल्म सिटी, स्पेशल इफेक्ट्स संजय नायक, टाइटल्स राजेश मलकईकर, रिफ्लेक्स आर्ट, को प्रोड्यूसर सोनी भसीन, लिरिक्स कुलवंत जानी और शहंशाह, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, डायरेक्टेड बाय कमल राज भसीन। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे भागत का है, भागत का है, अरे 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 भागत का है तू, अरे सुन सुन, अरे हम खाएगा नहीं तुमको, हम वैष्णव है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे ओ मेरे मुर्गी, अरे पकड़ो पकड़ो, आई ओ ओ भाई, ये लो तुहार मुर्गी, तुहार भला हो। अरे भला हो है राम, बिना पानी का ना लिया आज तो। धीरे रे चलो मोरी बाकी सजनिया, धीरे रे। अरे बोला तुहार भाभी किधर, बोला तूने यहाँ छोरियों के मटके सर पर लेकर रखे हैं, और वहाँ तेरे भैया ने पूरा घर सर पे लेके रखा है। हा? इतना बड़ा घर सर पर कैसे ले लिया भाभी? सुबह से कई बार तेरे लिए पूछ चुके हैं। हम का पूछ रहे? हाँ। कहीं डांटने वाटने का विचार है का? बहुत गुस्से में है, तू जल्दी घर चल, चल। बड़के भैया गुस्से में है? हाँ। भाग। अरे आओ आओ आओ, कैसा मेहनत का पसीना चमकत है माथे पर। अरे भाई पार्वती, सुधा, अरे इधर आओ, तनक आरती उतारो अपने भोले की, बहुत थक गया है।
बहुत मटके वटके उठावत है ना। अरे भैया बहुत मटके उठावत है। हाँ, बात मुर्गियां पकड़त है ना। अरे कहा बताए बड़के भैया, वो मुर्गी कितना तेज भागत है। हाँ, तो है। लेकिन बड़ा मजा आवत है। अरे मजा आवत है तो मजा छोड़कर घर का देने आवत है। कहा करे बड़के भैया, बहुत भूख लगी है। एका है भोला के वास्ते लस्सी। नहीं हमका दो, आज से इसका खाना पीना बंद। काहे? जब तक ये बिकट्ठू कुछ कमाएगा नहीं, इसे इस घर में खाना पीना नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। लाओ। अरे ये भोला नजर नहीं आवत है, ऊ की थाली कहाँ है? वो खाना नहीं खाते है। काहे? आप ही ने तो उसका खाना बंद कर दिया है। है भी निकम्मा निकट्ठू, सारा दिन मुर्गी पकड़ने के सिवाय क्या काम करत है? न काम का न काज का। अरे कैसन बात करत हो? रहन दो उसे भूखा, दो चार दिन खाना नहीं खाई तो का हुई, तुम खाओ। अरे हम आज तक कभी ऊ के बगैर खाना खाई? कहाँ है वो, बुला ऊ का। कहाँ ना, ऊ के खाना नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? अरे तुम का समझती हो ऊ के बिना हमारे गले में खाना उतरी है? अरे हम खुद जाके खिला दे, समझती क्या है। हाय हाय कुर्बान जाओ। चल मुनीम फुट जा फुट जा फुट जा। सुधा जी, अगर तुम किस बात के लिए मेहनत करती हो कुर्बान जाओ, तेरे लिए छे छे बांदियां रख दूंगा तेरी खिदमत के लिए अपनी हवेली में। हाँ अरे रानी बनकर पलंग पर बैठना और मेरी गोद में लेटना। हमारा रास्ता छोड़ो ठाकुर साहब। हाय हाय कुर्बान जाऊं, मैं तुम्हें वो मिट्टी के घर का रास्ता छोड़ने के लिए तो कह रहा हूँ। मेरी हवेली पिछले 10 साल से सुनी पड़ी है, आकर आबाद कर दो उसे। आप बड़े आदमी हैं ठाकुर साहब, इस तरह रास्ते में गांव की बहू बेटियों के साथ बातें करना आपको शोभा नहीं देता। हाय हाय इस तरह बात करते शोभा नहीं देता तो हम दूसरी तरह से बात कर लेंगे। हमें तो हमारी हवेली के लिए तेरी शोभा चाहिए। हाय हाय वाह वाह कुर्बान जाऊं, क्या बात निकली है मुंह से। ये चिट्ठी सिर्फ सेठ नारायण दास के हाथ में देना। किसके? सिर्फ नारायण दास के। शाबाश शाबाश कुर्बान जाऊं, ये लो तुम्हारा इनाम। और हाँ ये पैकेट खो नहीं देना, बहुत संभाल के। इसमें? इसमें क्या है हम सब जानते हैं, मगर हम पुलिस को हम नहीं जानने देते। शाबाश ठाकुर साहब। अरे तानिक रुक जाओ। आई काशीनाथ, चल चल तू जा जा, जा। आओ राम राम काशीनाथ, कैसे हो भाई? अरे बात का है ठाकुर साहब, हम सब जगह आप शहर जावत है, हमका दुई पूरी कनक और एक बोरी चावल चाहिए, फसल पे आपका हिसाब चुकता नहीं का? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। ए जुमन, दो बोरी कनक और एक बोरी चावल जल्दी से ले आओ। लाया हुजूर। और काशीनाथ घर पर सब राजी खुशी है ना? आपकी कृपा है ठाकुर साहब। सुना है तुम्हारी एक छोटी बहन भी है? हाँ जो तो है सुधा, पर ठाकुर साहब छोटी क्या, इब तो वो ब्याह के लायक हो गई। हम सोचे थे कि फसल के बाद कोई अच्छा छोकरा देखकर उनके हाथ पीले कर दे का, क्या ख्याल है आपका? ख्याल बहुत नेक ख्याल है, कोई अच्छा सा लड़का देखना, बस कोई ऐसा घर देखना जहाँ बेटी खुश रहे। सो तो है। चलो जल्दी से रख दो बोलिए। चल रख भाई रख, शाबाश रख दे। अच्छा काशीनाथ, जब भी किसी चीज की जरूरत हो ना तुम जाते ही सब ही ना। कृपा है आपकी डॉक्टर साहब, कृपा है। अरे भाई चल। कुर्बान जाओ। वो शाम होने को आई है, ये मुनी मुल्लू का पट्टा कहाँ चला गया है? कौन सा पंडा ढूंढने निकला है ये? टाइम हो गया है। सरकार पंडित जी पधारे। राम राम। राम राम पंडित जी आइए। राम राम। राम राम आइए। राम राम। 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 राम राम राम।
राम 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 अरे ठाकुर छोड़ दे, क्या कर रहे हैं, हत्या हो जाएगी। अरे किसको उठा के ले आया, मुनीम के बच्चे हैं। अरे दरवाजे से लेकर यहाँ तक ठगा दिया साला ने मुझे। अरे हाँ क्या मैं दरबार जाऊँ। अरे एक बार राम राम, दो बार राम राम, तीन बार राम राम, कुटने तक टेक दिए इसके सामने। राम 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 मुनीम के बच्चे, तुझे बगैर हाथों वाला कोई पंडित नहीं मिला, हम टूटे से ही काम चला लेते। अरे 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 आपके साथ कोई और भी आया है? अरे कोई बच्चा बच्चा तो बाहर निकालो, तो दूध पिला देंगे। अरे तेरी जात का बेटा, अरे कहां है, कौन है, कौन है? अबे ओ मुनीम के बच्चे, तू इसे रिश्ते के लिए लाया है कि मुझे छेड़ने के लिए लाया है? चल उठ जा, उठ जा ना, अबे उठ, चल निकल, निकल जा यहां से, अबे निकल जा, अबे दबा, अबे साला पंडित कौन है? ये कमबख्त पंडित के बच्चे ने मुझे दिल का मरीज बना दिया है। ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, हाय सांस उखड़ती जा रही है। मुनीर जी, इससे पहले कि बहस का तोड़वा के भाग जाए, ये काम तुम ही कर दो। मैं ये काम अब तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। ये लो 200 रुपया जी, और निकलो पतली गली से सीधा काशीनाथ के घर। अरे तो हाँ, तो हम तो बड़े कर रहे हैं, जा। और दोबारा इधर आई तो दोनों टांगे तोड़ दो, जा जा। भैया, अरे ये शैतान भाई के दिल का काज आने, पर तू मत घबरा, हम तो हर शादी ऐसे आदमी से करें जो लाखों में एक हुई है। जा सो जा। अरे तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, चलो जाओ अंदर। नहीं जाती। जाओ अंदर। नहीं। अच्छा, अरे कुर्बान जाऊं, मेरे गुस्से की आग में डालने के लिए तेल भी भेज दिया कमबख्त ने, मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। और सरकार, उसने एक संदेशा और भेजा है और कहलवाया है कि आज से वो अपने अनाज आपको नहीं बेचेगा, बल्कि खुद मंडी में ले जाकर के बेचेगा। काशीनाथ, तू मुझसे टकराएगा? ठाकुर रंजीत सिंह से? मैं तुझे दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगा, बेकारी बना दूंगा तुझे, बेकारी। मेरा नाम ठाकुर रंजीत सिंह है। ये ले 5 बोरी अनाज के 500 रुपए। अरे ईखा भाई, लक्ष्मी का पैरों से ऐसा अपमान करता है? अपमान बपमान बाद में बताऊंगा, पहले ही बताओ ये मंडी में अनाज बेचने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे ईखा, इसमें हिम्मत की कौन सी बात है? अरे अनाज हमार, हमने बेच दी। बेच दिया तो फिर जाओ घर, जाओ। अच्छा जाते हैं। ये रुपये तुम नहीं ले जा सकते। इलो, पहली बार तो बड़के भैया ने हमका काम का आदमी समझकर अनाज बेचने के लिए मंडी भेजा, और तुम लोग पहली ही बार हमका खाली हाथ वापस भेज देंगे। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करो, नहीं तो बड़के भैया मार मार कर हमार बुढ़ता बनाई दी। ये रुपए हमका दे दो, ले लो। लो। अब आई बात हमार समझ में। नीचे नीचे, ओह।
ये नोट का तुहार बाप उठाई। डाल हमार गमचा मा। तुम लोग इधर क्यों खड़े हो? अरे मेरा हाथ तो छोड़ो। लो बाबा छोड़। तुम शहर से कब आए? बस अभी। तुम्हें नौकरी मिली? तुम मुंह मीठा करा के भेजो तो नौकरी कैसे नहीं मिलेगी? सच? बस परसों ही मुझे काम पर बुलाया। तो फिर तुम शहर चले जाओगे? और मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे बड़के भैया से बात करूं, मगर डर लगता है। अरे इतने ही डरपोक हो, तुम मुझसे प्यार क्यों किया? प्यार तो मैंने किया, अब शादी की बात तुम कर लो ना। अकेली भाभी होती तो मैं बात कर लेती, मगर बड़े भैया और सबसे बड़ा तो वो भोला, उफ वो तो मुझे जान से मार डाला। गद्दार कमीने, क्या कर? शर्म नहीं आई तुझे? बोला हमका दोस्त कहता ना, दोस्त कहता कि नहीं? हाँ, और दोस्त के साथ ही दगा करत है। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या दगा किया? का दगा करत है, झूठ बोलत है। अरे देख सच सच बता, हमारी बहना के साथ तुहार का रिश्ता बता। बोला मैं उसे प्यार करता हूँ। हाँ? तो ये दगा नहीं? अरे हम का ना बताई, अरे तुहार दोस्त का ना बताई है? ए, तू चल हमारे साथ। कहाँ? ए चुप चाप चल चल। अजी आपको तो कोनो चिंता नहीं, जब बेटी सयानी हो जाए तो पूरे गांव की नजर ऊपर पड़त है, इसीलिए कहत है कि अपनी बहनिया के लिए अच्छा सवर ढूंढो। अरे कहां से ढूंढ लाई, आजकल अच्छा लड़का कहीं मिलत है का? अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिलत है। अरे जब कोई ढूंढे तब ना। अरे यहाँ तो सुबह शाम खेतों में बैल हाँकने से फुर्सत ही नहीं। अरे बैल हाँकत है तो घर की दाल रोटी चलत है, तू का करत है? काम का ना काज का दुश्मन सबकी जात का। अरे तू काहे नहीं ढूंढा? अब बोला है तो अभी ढूंढ के लावत है। ठहरा हो ठहरा, अभी लावत है। अरे आवा रे आवा, शर्माते काहे को है आवा। भैया ई मोहन है। जी नमस्ते। मोहन से अच्छा लड़का हमार गांव में कोनो नहीं। अरे ई सुंदर है, जवान है, कमाऊ है। अरे हम जानत है। और सबसे बढ़कर हमारी बहनिया को भी बहुत पसंद है। अरे सुना, ये बात तो हमका मालूम ही नहीं। भाभी अब घर के बड़ों से भी पूछ लो। अरे हमसे क्या पूछे, तो जब सबका पसंद है तो हमका भी पसंद है। लेकिन शादी के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। काहे? शहर में अभी अभी नौकरी मिली है, बस मकान का इंतजाम होते ही मैं शादी कर लूंगा। अच्छा तो भैया कोई बात नहीं, पर एक काम कर रहे हैं कि त्योहार जाने से पहले मंगनी की रस्म अदा कर लेते हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो बोलो हुर हुर हुर, बोलो हुर हुर। तुमने Thank you.
सुनहरा हर घड़ी आने वाला कल तेरा वो सुनहरा हर घड़ी आने वाला कल तेरा ये दुआ है भाई की हो तेरा दामन हरा फूलों कलियों से खिले बहना तेरी अंगनाई सुन ले अपने भाई से बात पते की बहनों तू ससुराल में बहू से ज्यादा बेटी बन के रहे ना अपने पति की सास ससुर की सेवा तेरा धर्म है लाज ही अब तेरा दर्पण है लाज ही तेरा कहना बोल ओ मेरी बहना बोल ओ मेरी बहना तेरी बात समझ में आई बधाई हो बधाई मेरी बहना को बधाई जानो मैं उसकी खुशियों को मातम में बदल दूंगा अपनी बहन की सगाई मोहन के साथ करके उसने मेरे मुंह पर लपेट के तमाचा मारा है मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा ओ काशीनाथ बाहर निकल बाहर ओ काशीनाथ काशीनाथ अरे आ तो रहे हैं काहे सुबह ही सुबह गला फाड़ के हुर लगा रखी है काशीनाथ हाँ। तुम कहते थे ना आदर किसी को तभी देना चाहिए जो आदर के योग्य हो हाँ। बस कुर्बान जाओ ये देखो कितना बड़ा आदर मिला है देखो देखो क्या है इस अखबार में फोटो छपी तुम्हारे खानदान की इज्जत की है बड़ा पढ़ा लिखा और लायक लौंडा चुना था ना अपनी बहन के लिए ये देखो क्या लिखा है कुर्बान जाओ मोहन ने अपने सेठ का खून कर दिया ओ,
सारा परिवार जाकर उसे फांसी पर चढ़ते हुए देखना। मैं शराबी हूँ, कबाबी हूँ, मगर खूनी तो नहीं हूँ। कुर्बान जाओ। मैं पूछता हूँ कि अब कौन करेगा तुम्हारी बहन से शादी? है तुमने जानबूझकर मेरा रिश्ता ठुकराया है काशीनाथ, क्योंकि अपनी बहन जेवरों में रहती देखी नहीं जाती है। वो एक टूटे फूटे झोंपड़े की बजाय किसी की हवेली में जाकर रहती तो आप दोनों के सीने में सांप दौड़ते सांप। तुम लोग दिल से नहीं चाहते थे कि उसका ब्याह किसी अच्छे घराने में हो। वो तुम्हारी सगी बहन थोड़ी है, भाई तो हो लेकिन हो तो सौतेले। ठाकुर, हिम्मत कैसे रही ऐसा दलील बात करते हुए? अब तो खून पी जाए तो जिंदा नहीं छोड़ी। यहाँ पर तुम लोगों की अकल का डोरा पीटने आया था। तुम सबने जिससे अपनी बहन की सगाई की थी ना, वो खूनी है। ये देखो फांसी चढ़ने जा रहा है। फांसी कुर्बान जाओ और सारी उम्र बिठा के रखना अपनी बहन को अपने घर में। कुर्बान जाओ, बड़ा लायक दूल्हा ढूंढने निकले थे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भैया, मोहन किसी का खून नहीं कर सकता। ये सब झूठी खबर है भैया, आप यकीन कीजिए, मोहन अच्छा लड़का है भैया, वो किसी का खून नहीं कर सकता है। काय रो रही हो बहना? मोहन को कुछ नहीं होगा। हमारे दिल कहते हैं ये सब झूठ है। तू चिंता मत कर, हम शहर जाकर सब पता लगाएंगे। शहर कोई हमारा गांव तो नहीं है बोला, जहां तेरी मदद के लिए हर कोई तैयार हो जाए। और फिर तूने तो कभी गांव के बाहर कदम भी नहीं रखा। तो क्या हुआ, हमारे पास मोहन का पता है, हम उसका ढूंढ लेंगे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए भैया। विजय आवा। सुधा, मोहन सिर्फ हमारा दोस्त ही नहीं तो हर सुहाग भी है। हम तो हर सर की सौगंध खाकर कहते हैं कि अब अगर हम इस घर में आए तो मोहन को साथ लेकर आएंगे। भैया, भाई साहब, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। बड़े सिंपल से हैं। पूछिए। आप जवाब देंगे? जरूर दूंगा। ये भगवान ने सर क्यों बनाया है? जूते खाने के लिए। और ये आपकी आंखें? मारने के लिए। और ये आपका मुंह? झूठ बोलने के लिए। और ये दांत? हराम का माल चबाने के लिए। और ये कमर? मटकाने के लिए। कट इट, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। ओए पानी लाओ इधर। भाई साहब जरा सुनिए सुनिए सुनिए, दिखे दिखे दिखे। एक मिनट यार, बोर मत करना यार। ना ना ना, अरे मेकअप वाले को बुलाओ ना इधर यार। तने की पता बताइए। पता? हां, कहां से आ जाते हैं मालूम है? एक काम कर, इधर इधर ए हैगा पालील, ए तो राइट मुड़ेगा ना, हां तो लिंकिंग रोड आ जाएगा, वो तो लेफ्ट मुड़ेगा तो खार आ जाएगा, तो खार तो लेफ्ट मुड़ के तू राइट आ जाए तो जू रोड आ जाएगा। राइट लाके राइट का मतलब समझना सज्जे, सज्जे से खब्बे हाथ लेगा तो जूतारा रोड आ जाएगा, जूतारा रोड से तू लेफ्ट ले लेगी खब्बे हाथ, ओथे तेनू आएगा पोताती तरंग बिल्डिंग, वो बिल्डिंग चला जाए ओथे बड़े गंदे गंदे बंदे रहते, ओथे धन्ना भी होता है, ओथे तू अगे चला जाए तो ओथे आ जाएगा गांधी ग्राम रोड, गांधी ग्राम रोड तो तू लेफ्ट जाएगा ना खब्बे हाथ, ओथे आ जाएगा सनी डबिंग थिएटर साढ़े धर्म भाजी का। आ हा हा की भाजी है, ओथे डबिंग होंगी है, ओथे नहीं जाना, ओथे सज्जे हाथ चला जाए ओथे है एड्रेस, समझ गया ना? हाँ जी समझ गए। ओ गलसुन, बड़ा थका हुआ लग रहा है, लस्सी वस्सी पिएगा? नहीं जी। कल आएगी वोटी भी ना लाइए कि यह कुड़ी तो बिना लाइफ की बर्बाद है ना। चल जा जा जा, गॉड ब्लेस यू यार। भाई साहब माफ कर दीजिए, देवी जी आपकी पतलून देखकर हम समझे लड़का है, तनी के पता बताई दी। रहमत गेस्ट हाउस जी। आई थिंक यू कम एंटायरली ऑन द रॉन्ग साइड। व्हाट यू डू, यू गो स्ट्रेट, हाँ गो स्ट्रेट एंड देन
you take a right turn and then you'll come across a round circle, huh? Okay? From the round circle, you make a right turn and a left turn and a right turn and... समझ गए, समझ गए. Okay, go. ये रे राजे, राजे राम, पतित पावन सीताराम, जिस मुराद के लिए आए हो, भगवान तुम्हारी मुराद पूरी करेगा, कुछ देने बाबा. भैया, हमका पास छुट्टा नहीं, बस एक ठो 50 रुपए है. छुट्टा हम दे देंगे. ये लो 45. शुक्रिया. तनिक रुको, रिसीट लेके जाओ. ये का है? रिसीट. इनकम टैक्स में छूट मिलेगी. ड्राइवर ओबरा चलो. भाई साहब. यस. तने हम का ही पता बताई थी. पता? हाँ. कहाँ जाना है आपको? रहमत गेस्ट हाउस. देखिए साहब, इंसान का आना जाना उसके बस की बात नहीं है. इंसान पूरब की ओर जाना चाहता है, किस्मत उसके कान पकड़कर पश्चिम की ओर ले जाती है. इंसान पश्चिम की ओर जाना चाहता है, किस्मत उसकी नाक पकड़कर पूरब की ओर ले जाती है. हमका ये पता बताइए. बताता हूँ. एक दिन मैंने तकदीर से तंग आकर पूछा कि आखिर तू चाहती क्या है. तकदीर ने कहा कि अपनी मनमानी छोड़ो, मेरे साथ चलो. बस तकदीर का हाथ पकड़ते हुए मैं यहाँ तक आ गया हूँ. भाई साहब, हमका पता बताई दो. अपना नाम तो बता दूं. राजू गाइड मेरा नाम है और आप लोगों के जैसों की सेवा करना मेरा काम है. राजू गाइड, हमका ये पता बताई दो. आप एक काम कीजिए, आप सीधे चले जाइए. सीधे सीधे जाइए जाइए. रुकिए, दाएं और मुड़िए. राइट, सज्जे सज्जे सज्जे. दो कदम आगे आइए. स्टॉप, मेरी तरफ देखिए. चले आओ चले आओ, सीधे चले आओ. बाएं और मुड़ो 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 और मुड़ो और मुड़ो और मुड़ो. मेरी तरफ देखो, इस उंगली की तरफ देखो. मिस्टर गोले, तुम बड़े भोले हो. रहमत गेस्ट हाउस है ना? मैं भी यही रहता हूँ. चले आओ मेरे साथ आओ. फॉलो मी. मैं भोला. भोला? चाचा, मैं 3 नंबर कमरे की सफाई कर रहा था, घंटी क्यों बजाई? चाचा, ये क्या चीज है? ऐसी चीजें बरसातों में निकल आती हैं. हेलो, रहमत गेस्ट हाउस. रहमत गेस्ट हाउस. हाँ हाँ, रहमत गेस्ट हाउस. बन्ने मिया है? हाँ, तो तुम भोला हो? जी हाँ, हम गांव से आए हैं. क्या बनने आए हो? राइटर, फाइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर? नहीं नहीं नहीं, हम कुछ बनने वाले नहीं आए हैं. हम तो सिर्फ रहमत चाचा से मिलने आए हैं. तुम पर रहमत खुदा की. माशाल्लाह, तुम मुझे कैसे जानते हो? हैं? आप रहमत चाचा हो? रहमत चाचा, हमका हमारी दोस्त से मिलाई तो. हम लोगों को बहुत परेशानी उसके खातिर. कौन? मोहन. ओ, तो तुम मोहन के गाँव से आए हो. उस बेचारे के साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ. तो काई सच है उसका जेल हो गई? चलो मोहन के कमरे में बैठ के बातें करते हैं. ओ जुगरू. जी चाचा. तू एक काम कर, तू भोले का सामान ले आओ. भोला. ओ चार्ली, सोता रहता है ये चार्ली, ये भोला. भोले, इस गेस्ट हाउस में 24 कमरे हैं और इन कमरों में बड़ी अलग अलग चीजें रहती हैं, बड़ी दिलचस्प चीजें हैं. नेताजी, क्या हाल है? नेताजी, ये भोला है. नमस्ते नेताजी. नेताजी, आज कौन सा वार है? वर्ल्ड वार. ओह, चलो भाई. आदाब सर. जो शायर कुछ लिखा? हाँ जी, बड़ी प्यारी चीज है. हाँ. जरा मुलाहिजा फरमाइएगा. हाँ.
जब से तुमसे लगन लगाई अपने मन में अगन लगाई, इससे आगे मेरा भी जोड़ ले, इस महीने भी दिया ना भाड़ा तो होगी बहुत पिटाई। चल भोला इसे जरा शट अप लीजिए। नामकूल ऋषि में तुम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह, और वो शहंशाह जिसकी खुद की अदालत है। शहंशाह मुजरिम को खुद पकड़ता है और उनके फैसले भी खुद सुनाता है। शहंशाह का पहला हुक्म ये मुख्तार सिंह, आज के बाद न तो जुर्म अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा न कानून किसको भी नाचेगा। याद रखना, अगर ऐसा नहीं हुआ ऋषि में तुम्हारा बाप, नाम शहंशाह। हीरो बनने आया है, आज से ऐसे बन जाएगा। नमस्ते हीरो। चल बोला, ये जो डांस कर रही है ना, ये हीरोइन बनने आई है, और वो जो हाथ दिखा रहा ना बार बार खड़ा होके, ये डायरेक्टर बनने आया है, और ये जो तबला बजा रहा है ढोलक, ये म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया है, और ये बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है। देखा बोला, हमारे गेस्ट हाउस में कैसी अलग अलग चीजें रहती है, है? चलो चलो भोला, आओ भोला, आओ आओ। ये है मोहन का कमरा, मैंने उसका सारा सामान ऐसे का ऐसे ही रखा है। बैठो भोला। चाचा काई सच है क्या कि मोहन के हाथों खून हुई गवा? नहीं बेटा, मोहन बहुत ही शरीफ, बहुत ही खुदा प्रसन्न इंसान है। बिल्कुल बजा फरमाया, रहमत किया, बिल्कुल बजा फरमाया। उसकी तारीफ की दुआएं तो परवरदिगार तक पहुंची होंगी। अरे बने मियां, अरे वहां क्यों खड़े हो, किबला यहां तशरीफ लाओ। अरे आओ आओ, अरे बैठो ना। ए मोहन भाई, ओ मोहन भाई, चाचा मोहन भाई आया क्या? अरे नहीं रे, मोहन के गांव से उसका दोस्त आया है भोला। ओ सलाम। चल चाय पिला सबको। चले चल जरा चाय लो, आप भी चाय पियो। बहुत मस्त आदमी था मोहन भाई, एकदम जेंटलमैन। बेटा ये पानी है, चाय का? हाँ चाय भी लो ना, एकदम जेंटलमैन ना, एकदम जेंटलमैन। मेरे को तो यकीन ही नहीं होता है कि मोहन जैसा आदमी मर्डर कर सकता है, बिल्कुल दिल में ही नहीं बैठता है ना चाचा? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये ले रहे बुड्ढे, और कुछ नहीं, अब तू जा। अच्छा जा। चाचा हमका एक बार मोहन से मिलवा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, कल से मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो रही है, हम सब वहीं जा रहे हैं, वहीं मिल लेना। मिस्टर विलियम, आपने इस अदालत को बताया कि 24 फरवरी की शाम जब आप सेठ जी को दफ्तर से घर ले जा रहे थे, तब मुलजिम मोहन उनके साथ में थे और उनके साथ कुछ झगड़ा भी हुआ था? यस सर। आपने अदालत को यह नहीं बताया कि झगड़ा किस बात से हुआ था? मोहन बाबू ने सेठ जी से 50,000 रुपए मांगे थे शादी के लिए। किसकी शादी? वो तो अपन ने नहीं सुना, लेकिन बंगले के अंदर जाते हुए सेठ जी ने इतना कहा था कि तुमसे जो होता है कर लो, मैं रुपए नहीं दूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ? 2 मिनट के बाद मोहन बाबू भी कमरे के अंदर चले गए, फिर गोली की आवाज आई, अपन भागकर अंदर गया तो क्या देखा कि मोहन बाबू के हाथ में रिवाल्वर है और सेठ जी की लाश फर्श पर पड़ी है। मोहन किसी का खून नहीं कर सकता है साहेब, मोहन निर्दोष है, वो खूनी नहीं। आपको जो कुछ कहना कटहरे में आके कहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि मोहन ने कोई खून नहीं किया? क्या कोई सबूत है आपके पास? हम मोहन को बचपन से जानते हैं साहेब, छुटपन में हमार दोस्त ललुआ ने गुलेल के साथ एक कबूतर को गिराया, ई मोहन ने उस ललुआ को बहुत मारा, बहुत मारा, और फिर उस कबूतर को पानी पिलाया, घर लेके जाकर उसके जख्म पर मलम लगाया, लेकिन वो बेचारा कबूतर मर गया साहिब, और ये मोहन ने 3 दिन खाना नहीं खाई। अब आप ही बताइए, जो ने कबूतर की हत्या पर खाना छोड़ दी, वो एक इंसान का खून कैसे कर सकता है साहिब? साइलेंस। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सेठ मनोहर दास का खून मुलजिम मोहन ने ही किया है, लिहाजा इंडियन पैनल कोड सेक्शन 302 एंड 309 के तहत मुलजिम मोहन को सजाए मौत दी जाती है, टू बी हैंग एंटिल डेथ। ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। Yeah.
क्यों? जब आपको पता था कि मोहन बेकसूर है तो फिर आपने कोर्ट में उसके अगेंस्ट गवाही क्यों दी? मैं मजबूर था बेटी, अगर मैं गवाही नहीं देता तो वो लोग हम दोनों को खत्म कर देते। कौन लोग? सेठ मनोहर दास के असली कातिल। उन्होंने मेरे सामने दो शर्तें रखी थी, 50,000 रुपए या मेरे साथ तुम्हारा भी खून। मेरी वजह से तुम्हारी जान जाए ये मैं कैसे सोच सकता था? और फिर तुम्हारे ब्याह के वास्ते मुझे रुपया भी तो चाहिए था। रोजी डार्लिंग, अब तो जो होना था सो हो गया, तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना प्लीज। आओ आओ विलियम आओ। सर आपने हमें जैसा बोला था हमने वैसा ही किया, हमने ठीक किया ना सर? बिल्कुल ठीक विलियम, बिल्कुल ठीक। सर हमारा इनाम हमें मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो। श्योर श्योर विलियम, पार्टनर विलियम को इसका इनाम दो। ऑफ कोर्स। तोहार दुख समझत है रोजी, हमका बहुत अफसोस है तोहार बाबूजी नहीं रहे। हमारे डैडी हमको बोला था कि उसके सेठ का असली कातिल मोहन नहीं है, कोई और लोग है और वो लोग बहुत डेंजरस है। रोजी मोहन को निर्दोष साबित करने के लिए तुम हमारे साथ दोगी का? यस जरूर दूंगी। तुम अभी यहाँ से जाओ, हम तुमको बाद में मिले। अच्छा हम जाते हैं। I'm sorry, रोजी, विलियम का सुना तो यकीन नहीं हुआ। इतना अच्छा आदमी, इतना सच्चा आदमी, भला ऐसे आदमी का खून कौन कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं होता क्यों। चुलबुलजे की औलाद इधर क्या कर रहा है बे? वो का है साहब की तरह हम हमार लोटा ढूंढ रहे थे, उम्मीद है कि गलती से यहीं कहीं आया होगा। अरे बाप रे, हमार शक सही निकला। ढूंढ लिया लोटा? लोटा तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन ये छोकरिया को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है। ए शाने, ये न्याय भाई की बात ना कोर्ट कचहरी में करना, अभी सुमड़ी में पतली गली काट देखूं वरना दूंगा एक रात चिक्का। ए बाबू, हम शहर के नहीं है जो जुल्म को देखकर भाग जाते हैं, हम गांव के हैं और गांव वाले जुल्म से टक्कर लेते हैं। तू मुझसे टकराएगा? मुझसे?
जब हाथ में नहीं होता सोटा तो काम आता है लोटा। क्यों भाइयों? हाँ तो गेंडामल जी, हो जाए थोड़ी धुलाई, आइए। आप सबकी प्रेम भावना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे केवल समाज सेविका बनकर ही समाज और देश की सेवा करनी है, मुझे नेता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब अगर मुझे आज्ञा दें। हम तो बड़ी आशा लेके आए थे आपके पास। चलो भाइयों। आंटी ये भोला है। ये क्या, गाँव से आया है, आज इसी ने मेरी जान गुंडों से बचाई। ना 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 ना, बचाने वाला तो ऊ है भगवान। मेम साहब ने हमें बोला कि आपकी बहुत बड़ी पहचान है, आप बहुत बड़ी समाज सेविका है, आप सबकी बहुत मदद भी करती है। तुम्हें मदद चाहिए, कितने रुपए चाहिए? ना 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 ना, ना। रुपए कोनो जरूरत नहीं, रुपए है हमारे पास, हम टैक्स भी भरते हैं। आंटी इसका दोस्त यहाँ जेल में बंद है, हमसे उका एक बार मिलाई दो। ठीक है, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा ये छोटा सा काम कर दूंगी, लेकिन ये मेहरबानी पहली और आखिरी बार समझना। नहीं भोला नहीं, ये खून मैंने नहीं किया, मुझे इसमें फंसाया गया। तू का फंसाया गया? कौन? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं खूनी नहीं हूं। मैं सेठ जी की इज्जत अपने बाप से भी ज्यादा करता था, बहुत भले और नेक आदमी थे। मुझे उनके यहां नौकरी करते हुए अभी साल भर ही हुआ था, मगर वो मुझ पर इतना विश्वास करते थे, यहां तक कि हर काम वो मेरी सलाह से करते थे। उस दिन सेठ जी मुझे अपने साथ दफ्तर से घर ले गए थे। मोहन ये तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई, मेरी तरफ से तुम्हारी शादी की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सेठ जी। गालिबन तुम तो यहां अकेले हो ना, शादी यहां करोगे या गांव जाके? तुम्हारी पूरी शादी का खर्चा मैं दूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी सेठ जी, आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे मोहन उपकार कैसा, ये देखो ये घड़ी मैंने तुम्हारी शादी के लिए खरीदी है, मेरी तरफ से ये तोहफा। सेठ जी ये तो सोने की घड़ी है, बहुत महंगी होगी। मोहन शायद तुम्हें अपनी कीमत का खुद पता नहीं है, तुम्हारे जैसा शरीफ और ईमानदार आदमी आजकल मिलता कहां है, और अगर मिलता भी हो तो इतना महंगा कि आदमी ले नहीं सकता। लेकिन ये घड़ी मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा, इस पर तुम्हारा नाम लिखवा कर दूंगा ताकि जब भी तुम देखो तुम्हें मेरी याद आए। शाम को आकर ले जाना। जी बहुत अच्छा, थैंक यू। सेठी 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 मोहन बाबू, ये क्या किया आपने? सेठ जी का खून कर दिया। खून? मैंने नहीं, नहीं मैं, मैंने मैंने खून नहीं किया। मैं और कानून की नजरों में बेकसूर होते हुए भी मैं कसूरवार ठहराया गया। तो कहा तुमने सेठ जी से अपनी शादी के लिए पैसे नहीं मांगे? कहा बिल्कुल नहीं, विलियम से जो कुछ भी अदालत कहा वो बिल्कुल झूठ है। तुमका चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है मोहन, हम वो असली खूनी का पता लगाकर ही छोड़ेंगे। नहीं भोला नहीं, ये तेरे बस की बात नहीं है। अरे का मतलब तुम भोला को जानत नहीं, हमार नाम भोला जरूर है पर दुश्मन के लिए हम शिव जी की तीसरी आंख बन जावत है। हाँ तुम देखत रहो मोहन, बहुत जल्दी हम वो असली खूनी का गर्दन ऐसा पकड़ लेंगे जिस तरह बिल्ली चूहे को दबोचती है। राम राम मेम साहब। राम राम। भोला तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ पता चला? हमारा विश्वास सच्चा था मेम साहब, मोहन खूनी नहीं। मोहन के सेठ का जो ड्राइवर था ना विलियम, वो हमार मोहन के खिलाफ झूठी गवाही दे रहा। हम विलियम से असली खूनी का पता लगा ही रहे पर क्या करे वो भी लुढ़क गया। नमस्ते। हाय निशा। हाय। ये महोदय कौन है?
ये भोला है, किसी से मिलने गांव से आया है। ये सरकार गांव वालों के आने पर रोक क्यों नहीं लगाती? चले आते हैं शहर में गंदगी और बदबू फैलाने। यहाँ आप जैसे सफाई करने वाले भी बहुत होते हैं ना साहब। क्या बोला? हम गांव से आकर शहर को गंदा नहीं करेंगे तो आपको नौकरी कौन देगा? बहुत बोला जोकर तेरी। नो अश्विनी, ही इज माय फ्रेंड। भोला, ये मेरे दोस्त है अश्विनी। ओ हमका माफ कर दो शकुनी जी, हम तो अबे ओ गांव के गोबर, हमारा नाम शकुनी नहीं अश्विनी है। अश्विनी हमका तो शकुनी अच्छा लागत है, हम तो शकुनी मामा कहेंगे। अरे शकुनी जी, गोबर पर जितना जोर से हाथ मारोगे उतना ही तुम्हारे मुंह पर गिरेगा। लगाओ लगाओ ताकत छुड़ाओ हाथ। हम नहीं नहीं भोला, दोस्तों में प्यार अच्छा लगता है, टकराव नहीं। आओ चलो अब चाय पीते हैं। अरे मेम साहब, चाय तो इनका पिलाई दो, तनिक ज्यादा दूध वाली, बड़ा कमजोर हाथ है इनका। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ कहाँ जाओगे? बस वही काम से, विलियम तो मर गया, अब उसकी बेटी रोजी से मिलने जा रहा हूँ, शायद असली खूनी का पता लग जाए। नमस्ते। चिंता होने लगी है, जो लोग रोजी की जान ले सकते हैं उसके डैडी को शूट कर सकते हैं, कहीं वो। मुझे बड़ा डर लग रहा है भोला। अरे डर का कौना जरूरत नहीं है मेम साहब, हम तो चाहते हैं कि उनका मार साथ सामना बस एक बार हो जाए और फिर वो खूनी जेल में होगा और हम हमार मोहन को लेकर गांव जाएंगे। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, हमका तो गाँव में चिट्ठी भेजनी थी। आप जरा लिख देंगे का? तुम खुद क्यों नहीं लिखते? हमका? अरे हमका लिखना नहीं सिर्फ पढ़ना आवत है। आओ मैं तुम्हें लिखना सिखाती हूँ। स्कूल फीस तो नहीं मांग लेगी? आओ बैठो। अरे जयराम जी। अरे वहाँ नहीं, यहाँ बैठो बैठो। चलो पकड़ो। का? बाबा ऐसे नहीं। अच्छा बोलो क्या लिखना है? रोजी और उसके बाप के मौत के बाद तो ऐसा लगता है कि उनके साथ साथ वो सारे सबूत जमीन में दफन हो गए। मोहन, ऐसी कोई खास बात, ऐसी कोई खास चीज, ऐसी कोई खास निशानी जो हमका खूनी तक पहुंचने की मदद कर सके, मोहन सोच। चलिए टाइम खत्म हो गया। हमारे लिए तो सारी दुनिया खत्म हो गई, पर हमका तो ऊपर वाले पर बहुत विश्वास है मोहन, कुछ ना कुछ जरूर होगा, तू देख। बोला हा? बोला एक चीज गायब थी। कौन सी चीज? सेठ जी की कलाई से उनकी वो घड़ी गायब थी जो उन्होंने मुझे गिफ्ट देने के लिए खरीदी थी। आखिर वो घड़ी गई कहां? कैब आया। अबे अंधा है क्या, दिखता नहीं है? घड़ी है, घड़ी खड़ी है। कहां खड़ी है?
अरे बाहर खड़ी है तो अंदर बुला ले भाई, भीतर बुला ले, काहे को बाहर खड़ी है? अबे खड़ी नहीं है, देख चल रही है, बेचने के लिए लाया हूँ। अरे तो इतना जोर से काहे को बोलता है भाई, मेरे एक कान से सुनाई पड़े दूसरा कान गड़बड़ है। पर एक बात बता, मैंने तेरे को पहले कहीं देखो है? हाँ जरूर देखा होगा, कई बार तेरी दुकान पे आया हूँ, बहुत माल लिया है तूने मुझसे। बहुत माल नहीं मिलेगा इसका, ज्यादा से ज्यादा देऊंगा तो 500 रुपए बस। क्या 500 रुपए? अबे सोने की घड़ी है, सोने की। रोने की? किसकी? अरे रोने की किसकी घड़ी? मेरी? अरे मैं काय को रोऊंगा भाई, क्या बात कर रहा है तू? रोने की नहीं, सोने की, इस तरह के सोने की घड़ी है। अरे नहीं नहीं, जिसके लिए उम्र भर रोना पड़े वो सोना मेरे को नहीं चाहिए, ले जा अपनी घड़ी। अरे इसमें नाम क्या लिखे हो? मोहन। अरे नाम क्या है? अबे माल बेचता चोरी का, पूछताछ करता पुलिस वाली। हट साला बहरा। मालिश वाली? अरे खा मालिश वाली। ओ भाई ये बैरो लागे, अपना काम कर तू यार। आमलेट लाओ जल्दी से मेरे लिए आमलेट लाओ। भैया प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाया है, आज मेरा शॉट है, बहुत अच्छा रोल मुझे मिलने वाला है, मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे लिए आमलेट ले आओ, अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचा तो प्रोड्यूसर मेरा रोल काट देगा, मेरा शॉट। लाता हूं। मुंडी कब हिला? मैं तेरी जोत को बैठा मारू। तेरे को कल की रोटी परसों का साग लाने को बोला था, वो किधर है? ए ये मिठुन का ऑर्डर है, फर्स्ट चाहिए फर्स्ट। क्या कोई शक? अरे लाता हूं, बोला ना मेरे दो हाथ है, 10 नहीं। अम्मा भैया मेरी जलेबी का क्या हुआ? जलेबी यार सबर अली का क्या लोगे, बोला ना लाता हूं। ये लो बोले भैया आपकी जाए। कभी कभी तो सोचता हूं ये बार वाले की नौकरी छोड़ दूं। अब देखो ना सुबह से शाम तक बार वाला ये लाओ, बार वाला वो लाओ, मैं तो तंग आ गया और कभी कभी डर भी लगने लगता है। हाँ अब देखो ना 2 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है, अगर मेरी घरवाली भी मेरे को बार वाला बोलेगी तो घर वाला तो कोई और ही बन जाएगा ना। चलता हूँ। ए हट बे झाड़ू वाले, ए बाहर वाला, हट 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 हट। नेताजी आज क्या बार है? वर्ल्ड वार। ओहो वर्ल्ड वार है। ओहो अरे भोले ये सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो काहे ना चाचा, आज निशा ने हम सबको पार्टी में बुलाया है। अरे पागल, रात की पार्टी की तैयारी तू सुबह से कर रहा है? चाचा बड़े लोगों की पार्टी है। हाँ। अबे ये बंबई शहर है और बंबई शहर में बड़े लोगों की पार्टी में कैसे जाते हैं तुझे पता है? नहीं नहीं पता। मुझे पता है। मैं बताता हूँ, चल मेरे साथ। चल चलो 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 चलो। अरे ठहरा, ये हमारी चुटिया। चाचा ये हमारी चुटिया के साथ क्या कर रहा है? अरे भोला कुछ नहीं करत है, काटत है। काटत है? काटो। अरे हम तो पंडित से ब्राह्मण हो गए। खबरदार खबरदार, होशियार होशियार, कमिंग भोला बन के राजा, शुरू हो जा बजा बाजा, 1 2 3। सूट में अमरीका वाला, कोट मेरा जापानी, ओ तुमको आज बनाएगा हम अपने दिल का रानी। सूट मेरा अमरीका वाला, कोट मेरा जापानी, ओ तुमको आज बनाए निशा। कम कम कम, ओ निशा तू है मेरी जानी। Bye.
निशा कम 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 ओ निशा तू है मेरी जानी भोला तुझको अपनी मेम बनाएगा ये तेरी मौसी क्या हम तो दुनिया से लड़ जाएगा जैसा भी है मेरा है मेरे दिल भर जाए तेरे प्यार से मेरे साजन अपनी मांग सजाऊंगी तू जैसा भी रखे मुझको तेरा साथ निभाऊं Come on baby dance कर ले तो romance कर ले Come on baby dance कर ले तो romance कर ले Shut up, shut up प्यार भरे अपने ये दो दिल जब मिलने तो राजी हम दुनिया को दिखला देंगे करके अपनी शादी हिंदुस्तानी बेबी हो गया हिंदुस्तानी आज से तेरे साथ में मैं भी हो गया हिंदुस्तानी रानी हो गया हिंदुस्तानी हो गया हिंदुस्तानी रानी हो गया हिंदुस्तानी हो गया हिंदुस्तानी बेबी ए बेबी ओ रानी हो गया हिंदुस्तानी अरे गांव में बहुत सी मुर्गियां पकड़ी पहली बार मुर्गा हाथ में आया चल साल अरे तुम दोनों यहाँ साफ सफाई किसके लिए कर रहे हो मंत्री आने वाला है तुम्हें कुछ पता हो तब ना नया इंस्पेक्टर आने वाला है सुना है बहुत कड़क है हाँ हाँ जानते हो उसका नाम क्या है क्या नाम है हमको बता रहा एक बाल फाड़ू सुना है कि मुजरिमों को फाड़ के रख देता है तो हम कौन से मुजरिम है काहे को परेशान होते हो अरे पाड़ी
छोड़ी रहूं राजा मैं तोरे बंगले पे पहला बनी हो गया एक तुम गया। ये क्या हिमाकत है? हिमाकत बोलत हो? अरे हमारा जो नया इंस्पेक्टर वो आ रहा है ना, उसको खाली खाली जेल अच्छा नहीं लगता, भरा भरा होना चाहिए, फैमिली की तरह होता है ना। अरे तुम्हारा भी कोई भाई दोस्त? कमबख्त, मैं वही इंस्पेक्टर हूँ। हर पागल हमसे यही कहता है, अरे 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 इसका हाथ असली लगता है। राम भजन छुड़ाओ मुझे, राम भजन। अरे अरे खोलो खोलो खोलो, आइए आइए आइए। हाथ आ रहा है। मुझे प्यार से लोग इंस्पेक्टर इकबाल फाड़ू कहते हैं। मैं जुर्म की किताब का हर पन्ना फाड़ कर फेंक दिया करता हूँ। लेकिन सर आपकी वर्दी? रास्ते में चिंदी बाजार पड़ता है, सुना आजकल वहाँ के गुंडे नए इंस्पेक्टर से हफ्ता वसूल करते हैं, इसलिए बचते बचाते आया हूँ। तुम लोग मेरी बात गौर से सुन लो, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, हर सवाल का जवाब हाँ में चाहिए। एक बात बताओ, सुल्ताना डाकू को किसने पकड़ा था? सुल्ताना डाकू को किसने पकड़ा था, मैं ये पूछ रहा हूँ। उस दिन मैं छुट्टी पर था सर, मैं बीमार था। सर मैंने नहीं पकड़ा था। मैं तुम पर इल्जाम नहीं थोप रहा हूँ, हाथ मत जोड़ो। अरे सुल्ताना डाकू को? लेकिन सर आपने उसे पकड़ा कैसे? ये एक अजीबोगरीब वाकया है। वाकया ऐसा है कि एक जंगल का रास्ता था, चांदनी रात थी, घनघोर भयानक अंधेरा था। मैं जीप में उसका पीछा कर रहा था, वो सामने पैदल भाग रहा था, मैं जीप में था। उसी वक्त मैंने सोचा ये बड़ी नाइंसाफी है यार, मैं जीप में और सुल्ताना डाकू पैदल। मैं जीप से उतरकर पैदल भागा उसके पीछे। अब उसके आगे दलदल था, वो दलदल से बचता बचाता निकल गया और मैं दलदल में फंस गया, क्योंकि उसको साले को प्रैक्टिस थी, उसको साले को प्रैक्टिस थी ना। अब दलदल में मैं फंस के करूं तो क्या करूं? दूर दूर तक देखा तो ऐसा कोई आदमी नहीं जो मुझे दलदल से बाहर निकालता। फिर मैंने सोचा, फिर सोचता रहा, फिर मैंने आइडिया लगाया। मैं पास के गांव में गया, वहां से रस्सी लेकर आया, रस्सी दलदल में डाली, रस्सी पकड़कर बाहर निकला और दौड़कर सुल्ताना डाकू पकड़ा है मैंने। क्या आइडिया है? फोन मत उठाना कोई, लोगों को लगना चाहिए कि पुलिस काम कर रही है। हेलो इंस्पेक्टर इकबाल फाड़ू हियर। साहब मेरी लड़की भाग गई है। उसने कौन सी दौड़ में हिस्सा लिया था? नहीं सर, वो घर से भाग गई है। अच्छा वो वाला भाग गई है? वो वाली भाग गई जो लौट कर आती नहीं? हेलो, अच्छा अपनी लड़की का नाम बताइए। सुधा। लिखो। हाँ, भगाने वाले का नाम? दिलीप। दिलीप, भगाने वाला था कौन? पड़ोसी। अच्छा पड़ोसी के साथ भागी है। लड़की की उम्र? 21 साल। 21 साल। लड़के की उम्र? 18 साल। 18। और ये तो उल्टा किस्सा हो गया यार, ये लड़का लड़की को लेके नहीं भागा है, लड़की लड़के को लेके भागी है, लड़की बड़ी है। मैं तुम पर केस कर दूंगा, तुम अपना नाम बताओ। हेलो कहां से बोल रहे हो तुम? नहीं साहब क्या बात कर रहे हैं, इंस्पेक्टर ये कौन है? फाड़ू कहीं का। हेलो 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 हेलो, साला उल्टे केस में फंसा रहा था मुझको। ठीक कह रहे हैं सर, वो उल्टा पैदा हुआ होगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब जल्दी से इसे गिरफ्तार कीजिए। और इसने सबके सामने हमारे निशा के आंटी पर गोली चलाने की कोशिश की। हाँ इंस्पेक्टर साहब, और फिर गोली चलाकर भागने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे गिरफ्त में आ गया। मैं तो कहता हूँ साहब इसे बंद कर दीजिए आप, साले मेरे आंटी। ये तोहफा मिला है इस इलाके से मुझे, मैं हाथ जोड़कर यह तोहफा कबूल करता हूँ। मुझे प्यार से लोग इकबाल फाड़ू कहते हैं, मैं जुर्म का हर पन्ना फाड़ कर फेंक दिया करता हूं। और तुम? हम भोला है। भोला है। भोला, अगर सारी जनता तुम्हारी तरह भोली होकर इसी तरह पुलिस वालों का साथ दे तो हम पुलिस वाले जुर्म का नाम और निशान मिटा देंगे। अरे तुमको कैसे मालूम पड़ा? फिल्मों में सुना है। फिल्मों की पुलिस में और असली पुलिस में बहुत फर्क है भोला। वो कैसे साहिब? वो मैं तुम्हें उस दिन साबित करके बताऊंगा जिस दिन उस खतरनाक मुजरिम को पकड़ लूंगा। मुजरिम? कौन मुजरिम? वही जिसे गिरफ्तार करने के लिए
खास तौर पर मुझे यहां भेजा गया है। बोला कहां जा रहा है? रेमो चाचा, निशा के आंटी को हॉस्पिटल में मिलने जा रहा हूं। अरे सुन, तूने मुझे उस दिन कहा था कि उसने तेरी बहुत बेइज्जती की थी। तुम क्या करने आए हो यहां? जी मैं, ये घर है, कोई बाग बगीचा नहीं। जब देखो मुंह उठाकर चले आए। जी मैं निशा से मिलने आया हूँ। क्या निशा? तुमने निशा को उसके नाम से पुकारा? इतना सर चढ़ा लिया उसने तुम्हें? अनपढ़, गवार, जाहिल, निकल जाओ यहाँ। आंटी ठहरो, भुला, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आंटी मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम सड़क की धूल को अपने ड्राइंग रूम की सजावट बना लोगी। अगर भुला सड़क की धूल है तो वो इस ड्राइंग रूम की सजावट नहीं, मेरे चेहरे की चमक है, मेरे नाम की पहचान है, आसमान है मेरे प्यार की जमीन का। बेवकूफ हो तुम जो इतना भी नहीं जानती कि दुनिया का कोई भी प्यार जमीन और आसमान को नहीं मिला सकता। ये नजर का धोखा है आंटी, नजर में प्यार भर के देखो तो चारों तरफ जमीन आसमान की बाहों में नजर आती है। मैं तुम्हारी शादी अश्विनी से तय कर चुकी हूँ, मैं भोला को अपनी जिंदगी का साथी बना चुकी हूँ। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती और आप मेरी चाहत के खिलाफ नहीं जा सकती। उसी का जवाब देने जा रहा हूं चाचा, उसी का जवाब। पर बेटा वो तो जख्मी है। सारे जख्म दूर हो जाएंगे चाचा जब मैं उनके सामने हाथ जोड़कर कहूंगा कि आंटी आप मेरी मां के समान हो, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दे दीजिए। क्यों चाचा? वाह बेटा वाह, बुराई का जवाब अच्छाई से दे रहा है। जा बेटा, और सुन हा? वहां निशा भी होगी, अपने गेस्ट हाउस की सिल्वर जुबली पार्टी में बुलाना मत भूलना। जरूर चाचा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम बहुत महान हो भोला, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, अनपढ़ गवार कहके तुम्हारा अपमान किया और तुम मुझसे मिलने आए हो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, हो सके तो मुझे माफ। नहीं, ये क्या कह रही हैं आप हमसे बड़ी हैं, हमारे मन में बहुत मान है आपके लिए, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपके मुंह से अनपढ़ गवार सुनना हमें बहुत पसंद है। तुम सचमुच भोले हो। अरे बने मियाँ, आप तो कवाली का प्रोग्राम करने गए थे, ये क्या हालत बना रखी है? हमारा मैं मियाँ क्या बताए आपको, क्या हम पे क्या बीती है? आओ 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 बैठो बैठो। आप बताओ बने मियाँ, तुम्हारे साथ क्या बीती? अरे रहमत मियाँ क्या बताऊं मैं आपको, हम पे क्या बीती है आधी रात को। पहले तो रंग भवन में प्रोग्राम किया और उसके बाद 100 ग्राम पिया, रास्ते में गुंडों ने घेरा, इधर था अंधेरा, एक ने टांग पकड़ी, ये टांग कब्र में लटकी, ये टांग टांग पकड़ के टांगे पे टांगों को टांग दिया, ये टांग एक ने टांग पकड़ी और दूसरे ने हाथ पकड़े, और धीरे धीरे उतार दिए हमारे सारे कपड़े। मार पे दर्द है, एक ने यहां मारा, दूसरे ने वहां मारा, पहले तो कुर्ता उतारा और फिर उसको फाड़ा, ये सब देख के मेरा अपने आप भूल गया जाड़ा। मैं मांग रहा था पानी, ये सब रो रहे थे, बाकी सब सो रहे थे। तुम्हें ज्यादगी? मुझे ज्यादा लगी, मुझे ज्यादा लगी, बड़ी जोर से लगी, कुछ तो अंदर लगी, कुछ तो बाहर लगी, एक ने लकड़ी मारी, मेरी तो घड़ी उतारी, फिर मुंह में बामू डाला, मेरे सब दांत निकाला। Hey!
शराब पीकर आया है? नहीं दादा, वो क्या किराया देने के लिए पैसे नहीं, शराब पीने के लिए पैसे है। नहीं नहीं दादा, लास्ट डे शूटिंग का लंच मनी कन्वेंस आज मिला तो वो अपुन का कैमरामैन है, वो बोला। खामोश, मैं बताता हूँ रहमत गेस्ट हाउस में शराब पीने का अंजाम क्या होता है। चाचा, तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि रहमत गेस्ट हाउस में शराब पीना हराम है। चाचा मेरी बात तो सुनो, घर छोड़ के आया। घर छोड़ कर आया हो? माँ बाप भाई बहनों के लिए कमाने, मरने के लिए नहीं आए। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं इतनी रात को किधर जाऊंगा? फुटपाथ पे, बम्बई में बहुत से लोग सोते हैं फुटपाथ पे। चाचा मुझे माफ कर, निकल जा यहाँ से। दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मुझे दिखाना भी नहीं। चाचा, चाचा इतनी रात गए फुटपाथ पे कहाँ सोएगा, जाने दो ना। माफ, खामोश, मैं तो तुझे भी उठा के बाहर फेंक दूंगा। ओ भाई, ओ भाई, ये लो उसल पाव खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं। अरे क्यों, खा लो यार। अपने पास पैसे नहीं है। अरे पैसे कौन कमबख्त मांगता है, ये अपनी तरफ से। देखो खाली पेट दारू पीना बुरी बात है, नुकसान करता है। लो खा लो, खा लो यार। हाँ ये हुई ना बात, मैं पानी लेकर आता हूं। नंगी जमीन पर नींद आ रही है डायरेक्टर? आए ना आए, आपको क्या, आपके पास बिस्तर है ना, जाइए जाकर सो जाइए, आपको बहुत मजेदार नींद आएगी। नींद ही तो नहीं आ रही है, ये कैसे हो सकता है? तुम फुटपाथ पे सो और मैं बिस्तर पे? क्यों, काफी दुनिया फुटपाथ पे सोती है मुंबई में। वो रहमत गेस्ट हाउस की बाहर की दुनिया है, रहमत की दुनिया के तो वो 24 कमरे और उन कमरों में रहने वालों ताकि मैं दूध है बेटा। उठो चलो अपने कमरे में। नहीं जाऊंगा, कल फिर मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया तो? शराब पी कर आएगा तो जरूर निकाल दूंगा, चल अंदर चल। नहीं नहीं जाऊंगा, आपने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, अपने इन हाथों से मेरा सामान बाहर फेंक दिया। अपने हाथों से फेंका था ना, तो ले अपने हाथों से उठा भी देता। नहीं चाचा, नहीं, मुझे माफ कर दो चाचा, मैं अंधा, कभी शराब नहीं पीऊंगा चाचा। अरे पगले, तुम लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है चाचा? मेरे अच्छे चाचा, मुझे माफ कर दो, कभी नहीं पीऊंगा। भाई आज तुम लोगों का चाचा बहुत खुश है, इसलिए मुझे एक शेर याद आया कि मोहब्बत दूर की अच्छी, रोटी तंदूर की अच्छी, हस्ती है तो फस्ती है, वरना जबरदस्ती है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अच्छा लगा अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, आपकी बात में बात है। ओए इकबाल फाड़ू, अरे 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 इकबाल, आज तू जरा। हाँ मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं टिकाए हुए हूँ। ओए इकबाल, पहले तो तू पुलिस में था? हाँ वो था, वो गया अभी सब, वो सरकार ने मेरा पट्टा उतरवा दिया, आजकल नाड़ा बांध के फिर रहा हूँ। ओए क्यों? बस यूं यूं, वो नसीबन यार। नसीबन? हाँ नसीबन, उसी के खातिर तो आया हूँ मैं यहाँ, और मैंने सुना है कि वो आजकल इसी मोहल्ले में रह रही है आसपास। नसीबन? हाँ। अरे वो तो यही रहती है। नसीबन, नसीबन, ओए मैं आ गया, ओए नसीबन, फाड़ू साहब आए हैं। जरा जोर से चलाए, उसे लगता है सुना नहीं उसने। ओए नसीबन, ओए बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, छोरा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, नसीबन तेरे लिए, जान मन तेरे लिए, छोरा
चोरा बदनाम हुआ नसीब तेरे लिए। चोरा बदनाम हुआ नसीब तेरे लिए। चोरा बदनाम हुआ नसीब तेरे लिए। इस सर पे ताज होता छोरों का राज होता। इस सर पे ताज होता छोरों का राज होता। छोरों का राज होता छोरों का राज होता। जीत कर हार गया जीत कर हार गया। इलेक्शन तेरे लिए छोरा बदनाम हुआ नसीब तेरे लिए। छोरा बदनाम हुआ नसीब तेरे लिए। सीधा कर दूंगा ये आंगन तेरे लिए। आज सीधा कर दूंगा ये आंगन तेरे लिए। छोरा बदनाम हुआ नसीब तेरे लिए। छोरा बदनाम हुआ नसीब तेरे लिए। लेकर आया हूँ नौमन तेरे लिए। तिल लेकर आया हूँ मैं नौमन तेरे लिए। छोरा बदनाम हुआ नसीब तेरे लिए। छोरा बदनाम हुआ नसीब तेरे लिए। का काट दिया कनेक्शन तेरे लिए। सभी का काट दिया कनेक्शन तेरे लिए। छोरा बदनाम हुआ नसीब तेरे लिए। छोरा बदनाम हुआ नसीब तेरे लिए। नसीब तेरे लिए जान मन तेरे लिए। छोरा बदनाम हुआ नसीब तेरे लिए। बोला बोला सुनो ना बोला प्लीज अब बस करो। यही रोक दो ना। थोड़ी देर पैदल चलते हैं। बहुत खुश लग रहे हो क्या बात है? ए निशा जी अब वो दिन आ गया जिसके लिए हम गांव से चलकर यहाँ आए थे। कल भीमा अदालत में गवाही देगा असली खूनी पकड़ा जाएगा और हमारा मोहन छूट जाएगा। Yeah.
भगवान के इंसाफ से निराश नहीं होते भोला, वो हमेशा सच्चे और बेकसूर आदमी का साथ देता है। भोला बस कुछ ही दिन रह गए हैं मेरी फांसी में, अब चिंता मुझे मेरी नहीं है सिर्फ सुधा की है। मैं तो कुछ ही दिनों का मेहमान हूं और फिर तेरा उनका क्या मुकाबला, उनके पास दौलत है ताकत है पैसा है। उनके पास ताकत है तो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है भगवान। मैं अपनी बहन की कसम खाकर आया हूँ, उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। एक बेकसूर को फांसी की सजा हो जाए ये अल्लाह को कैसे मंजूर हो सकता है? बोला तुमको किसी पे शक है क्या? हाँ शक तो है अश्विनी और नारायण दास पर, जो एनडीपी होटल के मालिक हैं। वो दोनों दूध और शक्कर की तरह मिले हुए हैं। खून उन्होंने ना किया हो लेकिन रहमत चाचा इस खून के पीछे उनका हाथ जरूर है। एक मिनट चाचा, अगर ऐसा है तो उस होटल में वेटर बनके मैं चला जाता हूँ, 24 घंटे उन पे नजर भी रखूंगा। लेकिन वहाँ तुम्हें वेटर रखेगा कौन? मेरे पास एक आइडिया है। हुँ? मैं उस होटल में कैबरी डांसर बनकर जाती हूँ। ऐसे लोगों से कैबरी डांसर जो काम निकाल सकती है दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। नहीं राधा नहीं, तुम ऐसा गंदा काम नहीं करोगी। नहीं, हमारा मकसद निर्दोष मोहन को बचाना है। तुमने अभी अभी कहा था ना कि नारायण दास और अश्विनी दूध और शक्कर की तरह घुले हुए हैं। बस यूं समझो राधा उस दूध के लिए नींबू की एक बूंद बनकर जाएगी और सारा दूध फाड़ कर रख देगी। मुझे नारायण दास कहते हैं, आपकी तारीफ? मुझे राधा कहते हैं। भाई वाह क्या नाम है। थैंक यू। आपका नाम आपकी पहचान है और आपकी पहचान आपका नाम, दोनों सीधे जिगर में उतर जाते हैं। By the way, मैं इस होटल का मालिक हूँ। Oh really? Yes. What a coincidence. मैं आपसे आजकल में मिलने ही वाली थी। मुझसे? हाँ हाँ। Actually, मैं एक cabaret dancer हूँ। और मैंने सुना है आपके होटल में एक cabaret dancer की जगह खाली है। अरे खाली नहीं है तो हो जाएगी। Really? तो मैं नौकरी पक्की समझूं? अरे भाई आप जैसी खूबसूरत हसीन लड़की को कोई ना कर सकता है। मैं तो कहता हूँ कि आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। अरे कल क्यों, आज अभी इसी वक्त। एक बात बताओ, आदमी की कमजोरी शराब होती है या औरत? शराब से पहले औरत। और शराब के बाद? औरत। लेकिन इनमें ज्यादा मजा कौन देता है, शराब या औरत? औरत से पहले शराब। और शराब से पहले? तुमने भी क्या बेमतलब की बातें शुरू कर दी। अब तो शराब के बाद मतलब की बात हो जाए।
एक बात पूछूं? पूछो। ये घर किसका है? मेरा। अच्छा, हमने तो सुना है ये सेठ मनोहरलाल का घर हुआ करता था, वही जिसका खून किसी मोहन नाम के आदमी ने किया था। अरे वो साला तो ऐसे ही फंस गया था। अच्छा, तो खून उसने नहीं किया था? तो खून क्या तुमने किया था? खून तुमने नहीं किया था ना डार्लिंग? जानमन, मैं तो सिर्फ दिलों का खून करता हूँ। तो फिर बताओ ना डार्लिंग, खून किसने किया था? बताओ ना। बताओ? बताओ। बताओ? बताओ। वो मेरा। एक बात याद रखना आंटी, अगर निशा के साथ मेरी शादी नहीं हुई तो मैं तुम्हें भी बर्बाद करके रख दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो अश्विनी? अरे ये लो, मैं भला तुम्हें क्यों धमकी देने लगा? मैं तो तुम्हारा हमदर्द हूँ, हमदर्द। मैं तो तुम्हें सिर्फ शीशा दिखा रहा हूँ ताकि तुम अपने आप को पहचान लो, क्योंकि तुम भी कानून की उतनी बड़ी मुजरिम हो जितना कि मैं कुछ समझी नहीं। समझोगी तो तब ना, जब मैं तुम्हारी दोहरी जिंदगी का पर्दा फाश कर दूंगा। अंडरस्टैंड? गुड नाइट। Thank you.
दुश्मनों की बड़ी मेहरबानी, बख्श दी है हमें जिंदगानी। के नीचे फेंक दो और उसे उठा के मेरी गाड़ी में ले आओ। चलो राधा, तुम्हारी लास्ट लाइन क्या है? सर, हवा में उड़ जा रही हूँ। हवा में उड़ी जा रही है, हवा में उड़ी जा रही है पे ट्रॉली रुक जाए। ओके रेडी, चलो टेक करते हैं ये। ये सर, चलो राधा रेडी हो तुम? रेडी सर, चलो 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 स्टार्ट। रेडी स्टार्ट साउंड। अरे तू हट जा यार, बहुत ड्रामा हो गया। चल रोल साउंड। कैमरा क्लिप 35x2 टेक 1 एक्शन। आज मेरा मन खुशी से फूला नहीं समा रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ी जा रही हूँ। कट। ओके वाह वाह, आपने बहुत अच्छा छोड़ दिया। डायरेक्टर मैं हूँ। राधा वाकई तुमने बहुत अच्छा शॉट दिया, वेरी नेचुरल। एक बात बताओ, तुम्हें ये पहली बार कैमरे के सामने एक्टिंग करते हुए कैसा लग रहा है? बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपने डायलॉग में कहा। अच्छा, मेरा मन फूला नहीं समा रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई में हवा में उड़ी जा रही हूँ, बादलों के साथ, घनघोर घटाओं के साथ। सब जगह तलाश किया, सब जगह टेलीफोन भी कर दिया, ना जाने भोला कहाँ चला गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रहमत चाचा, गुना ने भोला को परमेल की पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। क्या कह रही है? हाँ चाचा। ए, रहमत गेस्ट हाउस है ना, हम काशीनाथ हैं, भोला के बड़े भैया, गांव से ऊका मिलने आए हैं, बाहर भारत में भीग गए। भोला यहीं रहते हैं ना? जी। कहाँ है वो? जी वो बोलत का है नहीं, कहाँ है हमार भोला? अभी अभी खबर मिली है
आपके भोला को। क्या हुआ हमार भोला को? बोलो ना क्या हुआ हमार भोला को? दुश्मनों ने उसको पहाड़ी के ऊपर से फेंक दिया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकत। हमार भोला को कुछ नहीं हो सकत। हम अपनी जान अल्लाह पर भरोसा रखो काचीनाथ जी, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान का, तुम बच गए भैया। आज तारीख क्या है? मंगलवार 24 तारीख। 26 तारीख को तो फांसी हो जाएगी। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो बेटा? मेरा जाना बहुत जरूरी है, बाहर बहुत तूफान है, सुबह चले जाना। नहीं, मुझे हर हाल में शहर पहुंचना है। आवाज नहीं करना, जो कुछ भी तेरी जेब में है निकाल के मेरी जेब में डाल दे, वरना मुंडी काट के हाथ में दे दूंगा। चंद पैसों के लिए तू मेरी जान ले लेगा? अबे जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। हाँ घड़ी तेरे पास, तू नहीं मनोहर सेठ का खून किया, तू खूनी है। अबे क्या बकवास करता है, मैंने कोई खून वून नहीं किया। तो फिर ये घड़ी तेरे पास आई कैसे? बात को समझ में आ रही है, मैं खूनी को जानता हूँ और उसे पहचानता हूँ, कला छोड़ता बताता हूँ। चल। अबे मैं खूनी नहीं हूँ, खूनी नहीं हूँ, चोर हूँ चोर। रात जिस गाड़ी को रोक कर मैंने लूटा था, उसके आगे वाली सीट पर एक औरत बैठी थी और पीछे वाली सीट पर एक आदमी बेहोश पड़ा था। जब उसकी कलाई से मैंने घड़ी उतारी तो मुझे एहसास हुआ कि वो मर चुका था। हाँ, उसका खून हो चुका था। मैं वहां से भागा। अब समझ गया ना तू कि कातिल मैं नहीं, कातिल कोई और है, और मैं तुझे असली कातिल के पास ले चलता हूं। चल। कैसी हो निशा बेटी? आंटी, अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए देखिए ना, अश्वनी ने मेरे साथ क्या किया। वो मुझे किडनैप करके यहाँ ले आया और जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि सोने के झूलों में झूलने वाली मेरे भाई की बेटी एक देहाती अनपढ़ भीख मंगे के साथ अपनी जिंदगी बिताए। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो भोला को पसंद करती है ना? मुझे दुनिया में सिर्फ एक ही चीज पसंद है, वो है दौलत। आप तो समाज सेवका है ना? असली समाज सेवक वो होता है जो समाज सेवा करने से पहले अपनी भरपूर सेवा कर लेता है। मैं तेरी शादी अश्विनी से कर रही हूँ। मगर क्यों? आप जानते हैं कि वो अच्छा आदमी नहीं है और ये जबरदस्ती? जबरदस्ती नहीं, वो तुम्हें यहाँ लाया है मेरी रजामंदी से। हाँ, मैं ना चाहती तो उसकी क्या मजाल थी कि वो तुझे यहाँ ले आए। मगर आप मेरी शादी उससे क्यों करवाना चाहती हैं? अपनी सेवा के लिए बेटी। मेरे बड़े भाई यानी कि तुम्हारे डैडी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मरते समय एक वसीयत बना के गए थे जिसमें लिखा था कि तुम्हारी शादी के बाद ये सारी जायदाद तुम्हें और तुम्हारे पति को मिलेगी। मैंने अश्विनी के साथ समझौता कर लिया कि जायदाद का आधा हिस्सा मुझे मिलेगा। ये क्या कह रही हैं आप? जायदाद के लिए आप मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य खराब कर देंगी। मेरी खुद की सेवा के आड़े जो भी आता है मैं उसे मार डालती हूँ। नारायण दास किसी तरह मेरा राज उगलवाना चाहता था, मैंने उसे मार डाला। सेठ मनोहर लाल मेरे रास्ते की दीवार था। एक तो मेरे साथ धोखा करती हो, ऊपर से धमकी देती हो, क्या समझती हो मुझे तुम? गवर्नमेंट में किसी तुम्हारी अप्रोच है? अरे पूरा प्रेस मेरे हाथ में, अगर मैं चाहूं तो तुमको नंगा कर दूं। तुम ऐसा नहीं करोगे। कौन रोकेगा मुझे? मैं। तुमने कुछ नहीं देखा? यस मैम। जबान बंद रखोगे तो पैसा भी मिलेगा और तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी।
और जुबान खोलोगे तो तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का वही हशर होगा जो मिस्टर मनोहर का हुआ है। यस मैडम। अब गाड़ी मिस्टर मनोहर के घर ले चलो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। यस मैडम। और उसके कत्ल का मुजरिम बना दिया मोहन को। शांति देवी। अरे बांध के को रखा है। अरे मेरा मुंह देखो। खोलो जाओ। शांति देवी आपके इस बहादुरी के कारनामे का चश्मदीद गवाह मैं हूँ। मैं इस देश की किसी भी के सामने यहाँ तक कि सीबीआई के सामने भी ये कहने को तैयार हूँ कि सेठ मनोहर लाल का कत्ल आप ही ने किया है। तुम लोग यहाँ पहुँचे कैसे? मौत को पहुँचने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती प्यारी आंटी जी। आपने मेरे दोस्त के गले में फांसी का फंदा डाला था, आज वो ही फंदा आपके गले में आ गया आंटी जी। जो कहानी आपने शुरू की थी आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। कागज हमारा, कलम हमारा, ये कहानी लिखने और सोचने वाला दिमाग हमारा, और क्लाइमेक्स तुम लिखोगे। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तेरी मेरी शादी को कौन रोकेगा? क्यों आंटी? तुम लोग ले जाओ इसे। अब देखो बीरबल स्पेशल। नो प्रॉब्लम। सिट। योर वोटा। या या। विलन के वफादार कुत्ते। वैसे नाम तो है मेरा इकबाल खान, लेकिन प्यार से लोग मुझे इंस्पेक्टर फाड़ू कहते हैं। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। थैंक्स अप। वेरी गुड। तुम्हारे पास हथकड़ी है जेब में? हैं? हैं? नहीं साहब, मैं कोई इन लोगों का कुत्ता नहीं हूँ, मैं पुलिस का कुत्ता हूँ। मैंने बड़े बड़े मुजरिम पकड़वाए हैं, ये साहब मुझे किडनैप करके यहाँ पर लाए हैं। तो मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन विलन कुत्ते कहाँ है? मुझे मालूम है, सभी कहाँ है। हवलदार, ये कुत्ता मुझे कमीना नहीं लगता। फॉलो हिम। साला हमारा हाथ तोड़ना चाहता था, हाथ तोड़ना चाहता था। अरे हम गरीब अनपढ़ गवार को हमारे हाथ की बहुत जरूरत है बाबू। हम अपना सारा काम अपने हाथों से करते हैं, और तुम साले अमीर पढ़े लिखों का काम तो कंप्यूटर करता है, तो फिर क्या जरूरत है इन हाथों की? हाँ क्या जरूरत है? कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। ठाकुर रंजीत सिंह। ठाकुर रंजीत सिंह, बुजुर्गों ने ठीक कहा है कि जब मौत आती है तो चींटी के पर आ जाते हैं। जब से तूने और तेरे भाई ने सारे गांव में मेरी बेइज्जती की थी, तब से मेरा दिल तुझसे बदला लेने के लिए तड़प रहा है। अब हम लोग तुम लोगों से गिन गिन के बदले लेंगे। बांधो सबको, और मैं निशा से शादी करके रहूंगा, और तब तक तुम्हें मारते रहेंगे जब तक हम थक नहीं जाते। उसके बाद हम इस घर को आग लगाकर यहाँ से दोनों 9-2-11 हो जाएंगे। अरे चलो चलो सब लोग यहाँ से फुट लो। लेकिन जाने से पहले दरवाजे खिड़कियां सब बंद करते हुए जाना, हवा भी अंदर नहीं आनी चाहिए। चलो चलो चलो। कौन रोकेगा मुझे? आए कौन रोकेगा मुझे? इंस्पेक्टर फाड़ू मेरा नाम है। जिंदा कर देता हूँ दफन झूठ पाप और अत्याचार, फाड़ देता हूँ कफन जिसमें छुपा हो गुनहगार। वो कोई और होती होगी पुलिस जो पहुंचती है मौका वारदात पर, हीरो की कामयाबी और विलन की नाकामी के बाद, मगर इंस्पेक्टर फाड़ू इंस्पेक्टर फाड़ू जुर्म की नस नस उखाड़ देता है, चिंधिया चिंधिया कर देता है। गुड बैड एंड अगली, यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। रुक जाओ बखुरदार, इतनी जल्दी भी क्या है? अब तुम इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकते यार। बहुत देर के बाद याद आया कि तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर भी है। आए आए, आए।
कैसे फाइट रहे? फाड़ना मुंह फाड़ो, सर फाड़ो, पेपर फाड़ दिया। आई एम सॉरी, पेपर फाड़ दिया, पेपर फाड़ दिया। मिर्ची लगे पैके मुझे मारना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। हाँ, सस्ती चीजें हम करते नहीं। क्यों मार रहे हो इस गरीब को? तुमको कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ ये है कि ये मेरा दोस्त है, मुझ पे वार करो। अरे आप बड़ा बेशरम है। बचिए तो फिर आगे कुर्बान जाओ, कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं तो कुर्बान जा। ए, ये गले में फंदा और हाथ में डंडा। अरे पड़ गया भैया, भुर्ता निकाल दे। हमारे पेट में कहा यहाँ मारिए। अब मजा आया। तूने तो पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी ना? नसीब दोस्त नसीब, जिस नसीबन के लिए इकबाल ने पुलिस की नौकरी छोड़ी, जब वो नसीबन ही उसे छोड़कर चली गई, तो इकबाल ने भी सोचा कि शायद नसीब में पुलिस की ही लिखी है। अबे छोड़ 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 पीछे चल, मेरी कांग कर। अरे ते बताइए, ये लोग मुझे मार रहे हैं और कुत्ता अभी तक बचाने नहीं आया और आएगा भी नहीं। हमने भी कसम खाई है, जब तक निशा को हासिल नहीं कर लूंगा दाढ़ी नहीं काटूंगा। इस प्रेम चोपड़ा टाइप आदमी को गिरफ्तार कर लो, मैं तुम्हें देख लूंगा। इसके आगे भी फोड़ दो, तब भी तुम्हें देखूंगा। तब कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे? बाबा उनकी आंखें खोल, लेके जाओ। कानून की निगाह में तुम गुनहगार सही, लेकिन मेरी निगाह में तुम एक नेक इंसान हो। थैंक यू सर। घड़ी छोड़ो, इसीलिए मैं अपने फर्ज से मुंह मोड़ता हूँ और तुम्हें बिना सजा दिए छोड़ता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन सुनो यार, तुम ये बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पे क्यों नहीं चलते? सर मैं चलने को तैयार हूँ, बस आप मेरी उंगली पकड़ लीजिए। मैं? आप? मैं? क्या आप मुझे पुलिस में भर्ती नहीं करा सकते? मैं? आप? कौन रोकेगा मुझे? चलिए। मेरी प्यारी बहना, आज मैं तेरे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूं जिसे देखकर तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तेरा दामन खुशियों से भर जाएगा। ए! मोहन चल बिटिया। बोला आज तूने हमारे परसों का सपना पूरा कर दिया। लब लब दिया। ये अब दोनों बोलो। आ, 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 उ, 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 उ,
मिला ले, जीवन भर का साथ निभा ले। तुम भी बोल। देखो एक दूसरे को बिल्कुल खुश रखना, और अगर आप लोग एक दूसरे को खुश रखने में नाकामयाब हुए तो आप लोगों को सुधारने से कौन रोकेगा मुझे है?